नमस्कार, देख रहे वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ आज हैं यशस्विनी। और इनको आप कई एड्स में देख चुके होंगे, डियर जिंदगी में देख चुके होंगे कई, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई जगह इनकी छाप छोड़ कर ये चली जाती। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अब बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ भी नहीं, मैं आई वाज फीलिंग थोड़ा सा लॉस्ट क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने घर पर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैं मेरा रूम रेनोवेट करवा रही हूँ, तो आजकल मैं मम्मी पापा के रूम में फंसी हुई हूँ। बहुत सारा सामान है मेरे आसपास, आपको दिखा नहीं दे रहा, पर मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खिड़की के पास रखा है कैमरा ताकि हम पूरे रूम का कचरा ना देख सके। इट्स अ वन ऑफ द टायरिंग जॉब यू कैन एवर इमेजिन, बट इट्स फन। मतलब मुझे मजा आ रहा है, धूल धूल लंग्स के अंदर जा रही, मुझे ऐसा अलाइव फील हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है फिल्म सिटी में या मैदान में शूट वूट कर रहे हैं ऐसा। ओके यशस्विनी, बहुत जगह आपको देखा है, चाहे वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करूं या फिर अनिल कपूर के साथ जो एक एड किया था उसमें आपको बुलाया नहीं जा सकता। चलिए पहले तो बताइए अनिल कपूर जी के साथ शूट कैसा रहा था आपका? बहुत मजा आया। ही इज मतलब सब मैंने जितनी भी इंटरव्यूज देखे ना उनके बारे में, सब यही बोलते कि ही इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी सीन इन द मूवीज। वो उतने ही एनर्जेटिक है, उतने ही मतलब ऑलवेज ऑन द गेट गो। तो मैं भी वही कहूंगी कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा पूरा बच्चों के सामने देख रही हूँ। वो कुछ तो शकुन के साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे ना मैं कुछ हंस सकता हूँ, एंड ही इमीडिएटली लाफ्ड लाइक दैट। और मेरे आंखों के सामने से फ्लैशेस आने शुरू हो गए, वेलकम मिस्टर इंडिया सर, मतलब वो ट्रिगर हो गया था मेरा पूरा चाइल्डहुड। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू हैव टू बी इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज लाइक यू नेवर नो, यू माइट जस्ट लाइक हैव सच मोमेंट्स वेयर कुछ मैजिकल सा हो जाता है। एंड ही सच अ वंडरफुल पर्सन, कोई एयर नहीं अपने बारे में, बस काम से काम, ये कर लेंगे, एंथुजियास्टिक अबाउट लाइक इम्प्रोवाइजिंग एंड जस्ट लाइक फिगरिंग इट आउट। इट वाज लॉट्स ऑफ फन। हमने 3 दिन हमने शूट किया था तो मजा आया। और मेड इन हेवन की बात करते हैं, व्हेन आई वाज वाचिंग इट, मुझे आपका किरदार कुछ इतना एक स्कूल गोइंग बच्ची है लेकिन वो इतनी सुलझी हुई है, तो वो कैसा रोल था उसके लिए? आप तब सच में स्कूल गोइंग किड थी या फिर आप काफी बड़ी हो चुकी थी? तो मैं फिजिकली उतनी बड़ी नहीं हो पाई थैंकफुली, बट ये मुझे मेड इन हेवन, दिल्ली क्राइम, व्हाट आर द ऑड्स के लिए भी मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे आजकल हैं वो सुलझे हुए हैं, उन्हें दुनिया के बारे में नॉलेज है, उन्हें समझ है। तो लोग सोचते टीनेजर्स मतलब हाँ इनको तो बस अपना बॉयफ्रेंड और मैसेजिंग और ये वो, ऐसा नहीं है। तो टू बी एबल टू प्ले कैरेक्टर तो रियलिटी की उनमें बुद्धि होती है, वो हमारे फ्यूचर है, उनको समझ, क्योंकि आपको लगता है कि वो नोटिस नहीं कर रहे पर वो नोटिस कर रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स है। तो ये देखकर अच्छा लगा, ये एक्सप्रेस कर अच्छा लगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू बी एबल टू चेंज द नैरेटिव ऑफ हाउ टीनेजर्स आर पोर्ट्रेड इन आर कॉन्टेंट। सर्टनली, स्पेशली उसमें जिस तरीके से रोल आपका दिखाया गया था कि यू आर कम्प्लीटली ओके विद द गे रिलेशनशिप, सो हैव कभी ऐसा मौका पड़ा है आपको जहां आपको आसपास किसी दोस्त के साथ ये देखना मिला हो या कहीं देखने में मिला हो, और तब आपके रिएक्शन क्या थे? क्या देखने मिला हो? सॉरी, आप थोड़ा गे रिलेशनशिप पर अगर मेड इन हेवन की मैं बात करती हूँ तो आप बहुत सुलझी हुई लड़की के तौर पर निकल कर आई थी, तो कभी आसपास ऐसा कोई मौका पड़ा जहां आपको ये रिलेशनशिप फेस करना पड़ा, कोई दो शख्स आपके सामने थे और शायद आपको एक साइड लेनी पड़ी हो? हाँ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर गे एंड इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक देयर इज नो ऐसा कुछ है नहीं। सिंस कॉलेज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आई मीन या इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। एट द सेम टाइम जब दिल्ली क्राइम की मैं बात करती हूँ, मैं सच बोलूँ तो वो एक पता नहीं आपने कैसे देखा सोचा, बट वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा वाकया था।
राइट सो ऐसे में जब आप रोल निभा रही थी और एक बच्ची जो माँ को फोन लगाकर बोलती है कि आप ही ने सही तरीके से काम नहीं किया होगा, वाज इट वेरी स्कैरी या फिर बहुत ड्रेनिंग एक्सपीरियंस था, कैसा था? क्योंकि दिल्ली क्राइम अब तो नेशनली इंटरनेशनली बहुत पसंद की जाने वाली अवार्ड विनिंग एक सीरीज है. जितनी ही ड्रेनिंग पूरी स्टोरी है, लाइक मैं ये दिल्ली क्राइम के बारे में क्वेश्चन जब भी मुझे आंसर करने होते ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ये कोई फिक्शनल कहानी तो है नहीं, ये सच में हुआ था, ये किसी की जिंदगी की कहानी है. तो उससे जुड़े हुए कुछ भी अगर मुझे प्रश्न होता तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बिना कुछ गलत कहे, मतलब मैं कुछ गलत कहना नहीं चाहती, पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं खिलवाड़ ना करूं किसी के इमोशन के साथ. तो पूरा शो के दौरान भी जब हम शूट कर रहे थे, द क्रू, द डायरेक्टर, एवरीबडी इज सो ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कि मेरे साथ उन्होंने ये प्रोडक्शन, लाइक द फिल्म स्टार्टेड एंड द फर्स्ट डे ऑफ शूट वाज मी, एंड वो कभी मुझे वो प्रेशर फील नहीं हुआ कि हम कुछ बहुत ही डिप्रेसिंग सा बनाने जा रहे हैं, हम कुछ बहुत ही सीरियस सा बनाने जा रहे हैं. सब अपने अपने काम से लेके इतने ऑनेस्ट थे कि वो कभी लगा नहीं कि कुछ भारी भरकम सा, कुछ बहुत ही बड़ी सी अपॉर्चुनिटी हमने अपने कंधों पर ली, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने कंधों पर ली है. तो जब हम शूट भी कर रहे थे तो शेफाली मैम के साथ शूट करना इतना आसान है कि ऐसा लगा था मैं सच में अपनी मम्मी के साथ झगड़ रही हूँ. और पर ये होता है, लाइक जब आपकी फैमिली में, लाइक इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर्स फैमिली, तो जो चीजें हम आम आदमियों को लगती हैं कि ये कितनी बड़ी बातें हैं, वो आपके लिए तो रेगुलर कॉन्वर्सेशन हो जाती है, मंडेन बातें हो जाती हैं. तो उसके लिए उस वक्त चांदनी के लिए कहना कि नहीं ये लोग तो ये कह रहा है पुलिस ये नहीं करिए वो नहीं करिए, इट वॉज समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर हर, बिकॉज शी टॉक्स टू हर मदर अबाउट हर जॉब ऑल द टाइम एंड शी सीन हर मदर डू एवरीथिंग एंड शी सीइंग अदर पीपल, लाइक शी सीइंग अ होल सिटी कम टूगेदर एंड सीइंग दैट द पुलिस इज रॉन्ग. सो लाइक उसका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, like she was being spread, like she was being pulled in both directions, how can so many people be wrong, but then also how can my mother not do it right. So wo ek conflict definitely that stressed me out, but apart from that, like when it came to just being honest to the performance, it was very easy because of the people who were part of the show, of the writing and of the way that Richie had explained everything. करेक्ट. जब इंटरनेशनली इस वेब सीरीज को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, देश में भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो कहीं अच्छा लगता है, कहीं ये लगता है कि शायद किसी पुरानी बुरी सी घटना को एक मरहम लग गया. हाउ डू यू फील वेरी इनर लेवल पे, बहुत आत्मिक कंडीशन में अगर मैं पूछूं, आत्मिक स्तर पर? मैं अभी भी, मैं कह रही थी ना कि अभी भी कोई एक सिंगल इमोशन नहीं है. मैं कभी एक तरफ टिप होने लगती हूँ तो दूसरी तरफ वाली इमोशन जाग जाती है. कभी अगर मुझे लगता है कि अरे वाह, मतलब लाइक द होल वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट द शो, बट फिर लगता है कि पर ये होना ही नहीं चाहिए था, ये कहानी सुनाई नहीं जानी चाहिए थी, ये होना ही नहीं चाहिए था, तो हम ये क्यों कैसे इसे सेलिब्रेट करें. बट देन अब है दुनिया ऐसी, तो यू हैव टू लर्न टू कोप विद द ड्यूअलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड, लाइक एवरी गुड हैज अ बैड अटैच्ड टू इट, एवरी बैड हैज अ लिटिल बिट गुड अटैच्ड टू इट. तो फिर वही सिल्वर लाइनिंग देखी जाती है कि इतने सारे लोग साथ आए, इतने सारे वंडरफुल परफॉर्मेंसेज आई, उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है और उनकी ऑनेस्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा है. कहीं कोई सेंसेशनलाइज नहीं किया गया था, कुछ ग्लैमराइज नहीं किया गया था, हमने नहीं कहा कि हम प्रीमियर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. हमने अपनी तरफ से जितनी हम ऑनेस्टी से ये कहानी सुना सकते थे हमने वो किया, और उसका हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल रहा है और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और फिर एट द सेम टाइम मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ तो फिर मेरी घूम फिर के हर बात वही जाती है कि पर उन पर जो पीड़ा बीती होगी उनके लिए ये किसी की लाइफ की कहानी है, तो मैं फिर वहां जाना ज्यादा जाती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ही डार्क बहुत मुश्किल है उस चीज को अब्सॉर्ब भी कर पाना एंड देन उस पर एक्ट करना.
चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करती हूँ. डियर जिंदगी में अभी आलिया के साथ दोस्ती उस्ती बची है कि नहीं बची है? कि आप बातचीत होती है आपकी? अब ऑन स्क्रीन तो आप बहुत अच्छे दोस्त थे, लड़ झगड़ भी रहे थे. नहीं, शी वाज सच अ स्वीटहार्ट. लाइक कभी उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं, मेरा ऑलमोस्ट एक तरह से पहला प्रोजेक्ट ही था. फोबिया और डियर जिंदगी दोनों बैक टू बैक मैंने शूट किए, तो मुझे कभी ये वो डिस्टिंग करने नहीं मिला कि ये अच्छा अब मैं दूसरे फुल, वो एक ही एक्सपीरियंस लाए लर्निंग के लिए. तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कोई लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट शी इज इरिटेटेड विद मी बिकॉज शी इज अ प्रोफेशनल, शी इज अ स्टार. और उनको मतलब उनको नहीं, एक मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था जहां पे मुझे दो तीन लाइनें कह रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी बार बार. नाउ she doesn't need to rehearse her lines with me constantly. Like जैसे हम रट्टा मारते थे ना, मैं वैसे कर रही थी, मैं constantly back and forth कर रही थी थोड़ा सा ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए. She didn't have to entertain me, but she did, and that's why I love her. And दोस्ती तो अभी मतलब ठीक है, she's super busy and everything. वो तो it's a very weird thing anyway, but she's an amazing person. उसके डियर जिंदगी के बाद भी मैं उन्हें मिली थी जब कलंक रिलीज हुई थी और मैं डाइस मीडिया के साथ काम करती थी, तो उन्होंने हमें भेजा था टू डू लाइक अ प्रमोशनल एक्टिविटी एंड शी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड मी, शी इमीडिएटली लाइक हग्ड मी एंड शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू वरुण धवन एंड लाइक शी इज जस्ट अ स्वीटहार्ट एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट हर. दैट्स नाइस. अब और क्या क्या करने वाले हैं वो भी बता दीजिए. क्या करने वाले मतलब? आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? पता नहीं, दो तीन चीजें अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ तो मैं कुछ बता नहीं सकती, बट होपफुली 2021 इज डेफिनेटली लुकिंग बेटर देन 2020. तो फिलहाल आई डोंट वांट टू ऐसा जिंक्स दैट आल्सो, लेट्स नॉट, या बट हां फिलहाल आई कांट लाइक डिस्क्लोज बट समथिंग नाइस इज हैपनिंग. अच्छा, तो फिल्म है, ओटीटी है या कुछ और है? वही आई कांट, नॉट फेयर, सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके. चलो, लेट्स होप कि बहुत अच्छा आपका ये साल जाए, सबके लिए अच्छा जाए. एंड थैंक्स लॉट, इतना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.